हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल ड्रग ऑफ एल्कलॉइड्स। दोस्तों, जो इंडिविजुअल ड्रग होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो क्रूड ड्रग्स होती है एल्कलॉइड्स की, उसके बारे में आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। जो ड्रग्स होती है विनका, राउ वोल्फिया, बेलाडोना, ओपियम, जो पीसीआई सिलेबस अकॉर्डिंग दे रखा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विनका के बारे में। इसे हम सदाबहार भी बोल सकते हैं और पेरिविंकल इन इंडिया कॉमनली ग्रोन, यानी कि जो सदाबहार एंड पेरिविंकल्स नाम के जो विनका है, जो हम विनका भी बोल सकते हैं, वो इंडिया में कॉमनली ग्रोथ करवाई जाती है, यानी उगाई जाती है। इसकी दो वेराइटीज होती है। पहली वेराइटी पिंक फ्लावर्स एंड सेकंड होती है वाइट फ्लावर्स, यानी कि पिंक और वाइट फ्लावर्स दोनों पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैथारेंथस रोसियस और विंका रोसियस। ठीक है दोस्तों, अब इसकी फैमिली की बात करते हैं। तो अपोसिनेशिया फैमिली बिलोंग करती है, और इसका जो एक मेन टॉपिक है पैलिसेड्स, जो इसका पैलिसेड्स होती है। पैलिसेड्स क्या होती है? सबसे पहले ये जानते हैं अपन, खंभे लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पास पास में नंबर वाइज जुड़ी हुई होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है पैलिसेड्स कहलाती है, जो हमारे जो विनका प्लांट्स के अपर एपिडर्मिस टिश्यू के ऊपर व्यवस्थित होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, हम विनका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, तो सबसे पहले कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स, जो इंडोल की स्ट्रक्चर होती है वो कंटेन करता है कौन? विनका। फिर सेकंड टॉपिक यह है कि 20 डाइमेरिक्स इंडोल्स डाइहाइड्रो इंडोल्स एल्कलॉइड्स एग्जिबिट ऑन्कोलाइटिक एक्टिविटी, यानी कि जो डाइहाइड्रो इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं एन ऑन्कोलाइटिक एक्टिविटी। ऑन्कोलाइटिक एक्टिविटी क्या है? कि जो कैंसर सेल होती है उन्हें किल करना, क्या होता है? ऑन्कोलाइटिक सेल को किल करना ऑन्कोलाइटिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं अपन विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये क्या करता है? ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और ये भी क्या करता है? ऑन्कोलाइटिक एक्टिविटी दर्शाता है। अदर विनका इज एजमालिसिन, लोचनेरिन, सरपेंटाइन एसेक्ट्रा, ये सब क्या है? विनका एल्कलॉइड्स है। इनके यूज़ की बात करें तो यूज़ एंटीनियोप्लास्टिक यूज़ है, सबसे मेन यूज़ यही है एंटीनियोप्लास्टिक, यानी कि एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये क्या करती है? जो माइटोसिस होती है, मेटाफेज पे जो माइटोसिस होती है, इस माइटोसिस को क्या करती है? रोक देती है, प्रिवेंट कर देती है। लीव कंट्रोल डायबिटिक्स, जो विनका की लीव्स होती है, विनका प्लांट्स की जो लीव होती है वो क्या करती है? डायबिटी कंट्रोल करती है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। यहाँ पे HBP क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, अब आगे दूसरी ड्रग की बात करते हैं हम, राउ वोल्फिया। राउ वोल्फिया आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत नाम सुना होगा, राउ वोल्फिया रूट्स। तो ये क्या है? रूट्स में उपलब्ध होती है। राउ वोल्फिया क्या होता है? इसे सर्फ गंदा भी बोला जा सकता है और छोटा चंद भी बोला जा सकता है, बिल्कुल इजी नाम है, याद रखना। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? ड्राइड रूट्स, जो रूट्स होती है, ड्राइड रूट्स होती है ऑफ प्लांट्स एट, यानी कि प्लांट्स की जो रूट होती है, कौन सा प्लांट्स? राउ वोल्फिया सरपेंटिना बेंथ। इसे सरपेंटिना में आपको लग रहा होगा कि भाई स्नेक की मतलब तरह नाम सुनाई दे रहा है कि सरपेंटिना, तो ये क्यों सुनाई देता है? क्योंकि जो राउ वोल्फिया रूट्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सांप की तरह स्ट्रक्चर होती है उसकी, जिसे हम सर्पगंधा कह सकते हैं, इसलिए हमें इसे सर्पगंधा कहते हैं। फिर बात करते हैं कि द नेम गेव बाय द जर्मन डॉक्टर एंड ट्रेवलर्स लॉन हार्ट राउ वोल्फ,
जो राव वोल्फिया नाम दिया था, किसने दिया था? एक जर्मन डॉक्टर थे जिनका नाम लॉन हार्ड राव वोल्फ था, उनके नाम पे ये नाम दिया गया। फिर बात करते हैं, इट इज़ यूज इन द आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी ड्यू टू, ये यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अधिकतम थेराप्यूटिक एक्शन होते हैं जो आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी में यूज़ करे जाते हैं। फैमिली, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है ये? विंका, विंका लाइक फैमिली है, यानी कि जो विंका में है वो ये राव वोल्फिया में, जैसे कि एपोसाइनसिया, ये क्या है? फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, राव वोल्फिया की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो राव वोल्फिया कंटेन 0.7 से 2.4% ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स बेसिस, यानी कि जितने एल्कलॉइड्स है उनमें से 0.7 से लेके 2.4% तो ओनली क्या होता है? राव वोल्फिया ही होता है। एग्जांपल की बात करें, कई एल्कलॉइड्स राव वोल्फिया एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे कि रेसरपिन, रेसरपाइनिन, योहाम्बिनिन और रेजिन नामिन, ये सब क्या होते हैं? राव वोल्फिया एल्कलॉइड्स होते हैं। राव वोल्फिया एल्कलॉइड्स क्या करता है? इंडोल स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है इसमें, इंडोल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके जो यूज़ होते हैं राव वोल्फिया के, इसके यूज़ होते हैं कि ये यूज़ किए जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में, एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में और सर्कुलेटरी डिजीज़ में। सर्कुलेटरी डिजीज़ में जैसे कि ब्लड संबंधी जो भी डिजीज़ है इसमें यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले थर्ड नंबर ड्रग्स की, बेलाडोना। बेलाडोना इसका दूसरा बेसिक नाम है डेडली नाइट शेड लीव्स, इसे डेडली नाइट शेड लीव्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स कलर और बेरीज कलर होते हैं वो ब्लैक और पर्पल, यानी कि लगभग समान ब्लैक ही मान लो आप, ब्लैक कलर संबंधित कलर होते हैं। पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट्स, पेरेनियल का मतलब तो बारहमासी शाकाहारी प्लांट्स होते हैं, और वेरीज कंटेन ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, जो इसके बेरीज होते हैं इस प्लांट में जो बेरीज पाए जाते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कंटेन करते हैं, जो बहुत ही क्या है? पॉइजनिंग है। इट इज़ द टॉक्सिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन्स, हाइसाइनमिन और स्कोपालामिन, इनकी वजह से ये क्या होता है? टॉक्सिक नेचर के होते हैं। फिर बात करते हैं इसके सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम की बात करें इसकी, तो सिनोनिम में बेलाडोना लीफ एंड फोलियम भी बोला जा सकता है इसे। बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसमें? ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की पत्तियां और जो फूल होते हैं, फूल के जो टॉप मतलब किनार होती है ऊपर वाली, तो वहाँ से ऑप्टेन किया जा सकता है। किस प्लांट में? एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स में। ये भी कंटेन होते हैं, ये कितने कंटेन होते हैं लीव और फ्लोरिंग में? ये लगभग 0.30 से लेके 0.60% तक कंटेन होते हैं। इसकी जो फैमिली होती है, रॉयल फैमिली भी आप बोल सकते हो, सोलेनेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसका? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हायोसिएमिन इज द मेन कंपोनेंट्स होता है इसका। हायोसिएमिन जो मेन कंपोनेंट्स होता है, जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी दर्शाता है। पायरिडीन एंड एन मिथाइल पायरोलिन प्रजेंट, इसमें जो पायरिडीन स्ट्रक्चर होती है और एन मिथाइल पायरोलिन स्ट्रक्चर होती है वो भी प्रजेंट होती है इन स्मॉल क्वान्टिटीज, मतलब कुछ स्मॉल क्वान्टिटीज में प्रजेंट होते हैं पायरिडीन और एन मिथाइल पायरोलिन। नॉट रिमूव ड्यूरिंग ड्रग एसे बाय हीटिंग, ये हीटिंग के द्वारा जब हम ड्रग ऐसे करते हैं, ड्रग का उल्लेख करते हैं, किसी भी ड्रग की सर्चिंग करते हैं, तो ये रिमूव आसानी से रिमूव नहीं होते किस हीटिंग से, ठीक है? हीटिंग द्वारा आसानी से रिमूव नहीं होते या होते ही नहीं। बेलाडोना जो टेस्ट होता है इसका, बेलाडोना प्लस फ्यूमिंग HNO3 एंड एल्कोहलिक गैस सॉल्यूशंस बेलाडोना के साथ मिक्स करते हैं तो
ये कौन सा कलर देता है? वॉयलेट कलर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यार इसमें बेलाडोना एल्कलॉइड्स प्रजेंट है। इसके यूज़ की बात करें हम तो सबसे पहला यूज़ है एंटी कोलिनर्जिक एंड पैरासिम्पेथेटिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है इसमें। एंटीडोट यानी किसी भी एल्कलॉइड्स से, सेकेंड यूज़ क्या है, किसी भी एल्कलॉइड्स से पॉइजन अगर बढ़ता है तो उस पॉइजन को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बेलाडोना यूज़ किया जाता है जो एंटीडोट का काम करता है। सिक्रेशन ऑफ स्वेट्स गैस्ट्रिक जूस सलाइवा डिक्रीज, यानी कि जो पसीना है, गैस्ट्रिक जूस है और सलाइवा है, इसके जो सिक्रेशन को क्या करती है, कम करती है, डिक्रीज करती है। माइग्रेन में यूज़ किया जाता है, जो हेडेक होता है हमें, माइग्रेन लाइक हेडेक होता है, वो कम करने के लिए बेलाडोना का यूज़ किया जाता है। डायलेट प्यूपिल्स, जो हमारी आंखों की प्यूपिल्स होती है उसे डायलेट किया जाता है किसके द्वारा, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, बेलाडोना एल्कलॉइड्स। हम आगे बात करते हैं, अब फोर्थ ड्रग्स की बात करते हैं हम, ओपियम। ओपियम को सिनोनिम क्या है, रो ओपियम और गम ओपियम। कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ड्राइड लैक्टेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड पॉड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो ड्राई लैक्टेस होता है सीड पॉड्स से जो प्लांट में पाया जाता है, कौन से प्लांट में, पेपावर सोमनिफेरम। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडिन, थेवाइन, पापावरिन आर प्रजेंट इन दिस लैक्टेस, यानी कि जो भी ओपियम लैक्टेस होता है, लैक्टेस जो सारी ड्रग्स हैं पाए जाती है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं इसके, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि पेपावर सोमनिफेरम लीन्स फैमिली कौन से बिलोंग करता है, पेपावरेसी फैमिली बिलोंग करती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें इसकी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ओपियम का, कि ड्राइड फ्रॉम द एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो एसिड द्वारा बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, फिनालमिन हुआ, टायरोसिन हुआ, तो इनसे क्या है, ड्राइव्ड किया जा सकता है। डिफरेंट ड्राइव फ्रॉम द ओपियम्स आर ग्रुप अंडर टू कैटेगरीज, यानी कि अलग ड्राइव्ड मतलब अलग उत्पन्न करने के जो ओपियम गुप्त प्राप्त कर सकते हैं वो टू कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे वेंजिल आइसोक्यूनोलिन जिसमें नारकोटिन और पेपावरिन आता है, और फिनेंथ्रिन जैसे मॉर्फिन और कोडिन। ये क्या है, जो ये कैटेगरीज दे रखी है वो स्ट्रक्चर का नाम है, जो स्ट्रक्चर जिसमें पाई जाएगी तो वह उसी के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि ये है फिनेंथ्रिन है, फिनेंथ्रिन की जो स्ट्रक्चर होती है तीन बेंजीन के समूह की होती है, कितने बेंजीन की समूह होती है, तीन बेंजीन समूह होता है उसमें, तीन बेंजीन स्ट्रक्चर पाई जाती है आपस में अटैच। जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी तो उसमें तीन बेंजीन अटैच एक दूसरे से अटैच हो रखी है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, फिनेंथ्रिन, जिसमें मॉर्फिन एंड कोडिन आता है। अब बात करते हैं कि पेपावरिन्स इज एन ऑप्टिकल इनएक्टिव अरबिक मोनोएसिडिक बेस होता है, नारकोटिन मॉर्फिन और कोडिन इज ए लिवोरोटेटरी होता है, डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी सुना है आपने, ठीक है, तो नारकोटिन मॉर्फिन और कोडिन इज ए लिवोरोटेटरी। ओपियम ऑल्सो कंटेन शुगर बैग्स म्यूसिलेज सॉल्ट ऑफ कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम। अब इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, हाइपनोटिक एंड सेडेटिव एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जा सकता है, कफिंग ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है, मसल रिलैक्सेशन जो इंटेस्टाइन है और ब्रोंकियल्स मसल्स है, तो ऐसी मसल्स जो स्मूथ मसल्स होती है उन्हें क्या करते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं, जो ओपियम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।